क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्या दिया, एट 1 नवंबर 2005 नेट पे, अच्छा यहाँ नेट पे नाम है ये, एट द फॉलोइंग क्रेडिट बैलेंस ऑन लेजर अकाउंट्स, पेरोल कंट्रोल अकाउंट, एनआईसी कंट्रोल अकाउंट, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, ये तो इसके ओपनिंग बैलेंस दिए हैं। अच्छा ये तीनों क्या है, पे, एनआईसी और एम्प्लॉय सेविंग, क्या डिडक्शन होती है। अच्छा तीनों के ओपनिंग बैलेंस दिए हमें, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टी अकाउंट्स पर, इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद है कंपनीज वेजेस रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर शोड द फॉलो, ग्रॉस पे, ये डिडक्शन है पे, एम्प्लॉयर्स एनआईसी, एम्प्लॉयज एनआईसी, एम्प्लॉय सेविंग डिडक्शन और नेट अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज दे दिए। कंपनी पेड 9,342 एचएमआरसी ड्यूरिंग द मंथ बीइंग 4,750 पे एंड 4,590 एनआईसी, गवर्नमेंट को पेमेंट हो गई है। बैलेंस की एंट्रीज बनाते हैं, उसके बाद टी अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में, मतलब तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, वेजेस सैलरीज की, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट, और पे कर दिया तो कैश क्रेडिट हो जाता है। अच्छा और डिडक्शंस किस साइड पर आएंगी, अभी जो डिडक्शंस हो रही हैं ये डेबिट होंगी क्रेडिट। अच्छा डिडक्शंस करता कौन है, एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर के लिए ये क्या है, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी, लायबिलिटी है ना, कि जो अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये डिडक्शंस कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड। जब एम्प्लॉयर सैलरी से डिडक्शन करेगा तो उसकी लायबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट इंक्रीज हो जाएगी ना, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डिडक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। अच्छा इसकी एंट्री बनाते हैं, पहली एंट्री तो होगी एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, तो पहले तो हम लिखते हैं वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। अब ग्रॉस पे कितनी है, ग्रॉस पे है 27,294। अच्छा अब इसमें से डिडक्शंस हो रही है, डिडक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, पहले क्या है पे ही है, पे 6,101, उसके लिए अकाउंट बनेंगे पे कंट्रोल अकाउंट के नाम से अकाउंट बनेंगे और ये क्रिएट हो जाएगी ना 6,101। सेकेंड पे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स एनआईसी, ये तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, नीचे आते हैं एम्प्लॉयज एनआईसी, तो एनआईसी इसका बनेगा एनआईसी कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट कितना है 2,240। इसके बाद एम्प्लॉय सेविंग डिडक्शंस 875, क्रेडिट सेविंग्स कंट्रोल अकाउंट 875। ठीक ग्रॉस पे हो गई डेबिट और ये डिडक्शंस हो गई क्रेडिट। अच्छा ग्रॉस पे में से डिडक्शंस माइनस करेंगे तो आता है नेट। अच्छा नेट पे जो है वो एम्प्लॉयज को पे करना होती है, तो वो भी एम्प्लॉयर के लिए क्या है, लायबिलिटी। नेट पे क्या होगी इसकी, ऐसे अमाउंट दिया हुआ, देखिए नेट अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज 18,078, ये क्रेडिट पे लिखते हैं 18,078 और इसका अकाउंट बनेगा वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट के नाम से, अकाउंट बन जाएगा वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट के नाम से पेबल। अच्छा ग्रॉस में से डिडक्शन माइनस करें तो भी आंसर यही आएगा। अच्छा ये हमने ग्रॉस पे, डिडक्शंस और नेट पे रिकॉर्ड कर, ठीक है ग्रॉस पे रिकॉर्ड हो गई, प्रॉब्लम। इसके बाद फिर ये एम्प्लॉयर्स एनआईसी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा इसका क्या इफेक्ट होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, डेबिट में तो हम लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होंगे और या एनआईसी कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट कितना है 2,621। हमने एम्प्लॉयर्स एनआईसी कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, क्लियर। बाद फिर
पेमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं अभी, नेट अमाउंट एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे हमने वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट किया था पेमेंट के टाइम पर, डेबिट होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डेबिट हो जाएगा 18,078 से डेबिट, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, नेट अमाउंट हमने एम्प्लॉयज को पे कर दिया, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, बैंक डिक्रीज क्रेडिट, क्लियर। ये तो हमारी कंप्लीट होगा। नीचे नेक्स्ट लाइन पे क्या, नीचे प्राइस, अब कंपनी पेड 9,342 टू एचएमआरसी ड्यूरिंग द मंथ बीइंग पे एंड एनआईसी, तो जो अमाउंट डिडक्ट किया था वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है, डिडक्शंस का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो ये पे कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये एनआईसी कंट्रोल अकाउंट भी डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। पे कितना था, 4,750, एनआईसी 4,590 और टोटल बन गया इनका दोनों का 9,340। एंट्रीज कंप्लीट हो गई, ग्रॉस पे रिकॉर्ड किया हमने पहले, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड किया, फिर नेट पे एम्प्लॉयज को पे कर दी और फिर ये डिडक्शंस गवर्नमेंट को पे कर दी। फर्स्ट एंट्री बुक में दो में डिवाइड किया, पहली एंट्री से बनाई है वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट किया, ग्रॉस से 27,294, और इसने वेजेस पेबल को क्रेडिट कर दिया, वेजेस एंड सैलरीज, अच्छा मैंने यहाँ लिखा वेजेस सैलरीज कंट्रोल अकाउंट, इसका मतलब वेजेस सैलरीज पेबल आपकी, ठीक है, कि पहली एंट्री बनाई एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट, इसके बाद बुक में इसने सेकंड एंट्री क्या बनाई, सेकंड में इसने डिडक्शंस को अलग से रिकॉर्ड किया, सेकंड एंट्री में डिडक्शंस को रिकॉर्ड किया। अच्छा ये डिडक्शंस यहीं से कॉपी कर लेता हूं मैं एज इट इज, टाइप करने में टाइम लगेगा, अब ये तीन डिडक्शंस थी ना, इसको इसने एज इट इज डिडक्शंस रिकॉर्ड की, ये यहां पर क्या होंगे, सारी एंट्रीज क्रेडिट हो जाएंगी। और डेबिट इसने क्या किया, ये वेजेस एंड सैलरीज पेबल को या कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब डिडक्शंस का टोटल करें क्या बन रहे हैं तीनों का, 9,216, 9,216, इस तरह से बुक एंट्रीज बनी हुई है, इसने ग्रॉस पे रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद डिडक्शंस अलग रिकॉर्ड, तो देखिए नेट बात तो वही है, फर्स्ट एंट्री में हमने वेजेस सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट किया था, डेबिट किया इसने, डिडक्शंस को हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पर डिडक्शन को क्रेडिट किया, सिर्फ क्या किया, पहले पेबल उसने रिकॉर्ड की ग्रॉस से, फिर पेबल को कम कर दिया डिडक्शंस के अमाउंट से, तो अगर ये क्रेडिट और डेबिट का आप डिफरेंस निकालें कंट्रोल अकाउंट वाला, तो ये एग्जैक्ट 18,078 ही बनेगा, तो नेट इफेक्ट वही आएगा, इसको लिखने का तरीका अलग, तो ये भी आप कॉपी कर लें, और करके फर्स्ट वाली जो एंट्री है ये बुक में इस तरह से दो में डिवाइड करके बनाई है, नहीं बुक में ये वाली बनी हुई है, बुक में ये वाली बनी हुई है दो, मैंने मर्ज करके एक बनाई थी, डिडक्शन कितनी हो गई, हाँ पहले उसने ग्रॉस पे रिकॉर्ड की, सेकंड में उसने डिडक्शंस को अलग से रिकॉर्ड, पेबल उसने ज्यादा थे, पेबल को उसने कम करके ये लाइबिलिटी डिडक्शंस को पेबल में क्रेडिट कर, यहां से लाइबिलिटी कम की वहां लाइबिलिटी बढ़ा दी, अब बुक में ये वाली बनी हुई डबल, ये वो कंबाइन मैंने बनाई, तो दोनों याद रखिएगा, इजीली समझ में आ जाती है, समझ में नहीं आती थी किसी, पहले समझ में आ रही है, एक्सपेंस है डिडक्शंस है लाइबिलिटी है क्रेडिट हो रही है और ये पेबल हमारा क्रेडिट हो रहा है,
रोल आपको मिल चुकी है, फर्जी हो गई, आज खत्म। जी कॉपी कर लिया, ये अकाउंट्स बनाएंगे और पहले इन ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। अब पी कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 4782। अच्छा, अभी ओपनिंग बैलेंस किस साइड पर आएगा? 4782 क्रेडिट साइड पे। अच्छा, क्रेडिट पे क्यों आएगा? क्योंकि ये लायबिलिटी है हमारी, क्रेडिट पे लिखेंगे 4782। बाद एनआईसी कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 2594, एडिट होगा 5594। उसके बाद एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट का बैलेंस है 1373, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, ठीक है क्या? 4782 मैंने क्या लिखा, 4782, ये ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। अब ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। ये फर्स्ट एंट्री हमारी है वेजर देन सैलरीज, एक्सपेंस डेबिट है 27,294 से, डेबिट करते हैं 27,294। रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, पे कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट है 6,101 101। के बाद एनआईसी कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2240 से, 2240। फिर ये सेविंग कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 875 से, क्रेडिट करते हैं 875। बाद वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 18,078 से, एडिट हो जाएगा 18,078। ये फर्स्ट एंट्री पोस्ट हो गई। सेकंड एंट्री पोस्ट करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एनआईसी कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 6 1 2। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और एनआईसी कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया। थर्ड एंट्री पोस्ट करते हैं, इसमें क्या था, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट हो रहा है, वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा 18,078 से, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट फिलहाल नहीं बना रहे। लास्ट एंट्री पे कंट्रोल अकाउंट डेबिट, पे कंट्रोल अकाउंट डेबिट करते हैं 4750 से, एनआईसी कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है 5590, बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट फिलहाल नहीं बना रहे। अच्छा, अभी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, अकाउंट पोस्टिंग कंप्लीट, अकाउंट्स क्लोज करते हैं। वेजेस सैलरीज का टोटल है 2,996, 2,996। ये इसका कैरी डाउन आ जाएगा 2,996। के बाद पे कंट्रोल अकाउंट
करेंगे 10883। ये माइनस करें 4750, कैरी डाउन आ जाएगा 6133। इसके बाद ये वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट को क्लोज हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल है। एनआईसी कंट्रोल अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका टोटल आ गया 7446। 7446 माइनस करें इसका 4590 माइनस करें 8 5 6, कैरी डाउन के बाद एनआईसी कंट्रोल अकाउंट इसका टोटल आ रहा है 2248, और यही इसका कैरी डाउन बन जाएगा 2248। ये लेजर्स कंप्लीट हो गए, कॉपी कर लें।